Alright gamers, 2024 shuru hua nahi and we're already buried. Not just fully fledged games, early access releases, massive mods and even demos. So let's start with Like a Dragon Infinite Wealth, जिसमें initially you're like a hero, then you get cancelled, then तुम हवाई जाते हो and then you get even more cancelled. Then फिर तुम DMs में slide करते हो, क्योंकि अब और कितना ही cancel हो सकता है एक आदमी. लेकिन यहाँ पे only blue balls and catfish. तो फिर तुम Pokemon खेलते हो, बस monsters की जगह it's humans. Then तुम crazy taxi type crazy deliveries करते हो, then फिर तुम गाना गाते हो. Then you remember कि main game भी है, cancellation undo करना है and ये police वाला promises help. Well actually प्रॉमिस नहीं करता है बट यू बीट द शिट आउट ऑफ हिम, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, व्हिच इज अ थीम इन याकुजा. यू ईदर डाई एन एनिमी और लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ फ्रेंड, बट देन यू गेट साइड ट्रैक क्योंकि फोटोज लेने हैं ऑफ सिकोस इन सिको स्नैप. फिर थोड़ा गोल्फ खेला, देन कूड़ा कलेक्ट किया इन कैन क्वेस्ट. ये सब के बाद फिर याद आया कि मेन गेम भी है. अब तुम टीम अप करते हो विद चिटो से, जिसने प्रीवियसली तुम्हें शराब पिला के बीच में नंगा छोड़ दिया था, व्हिच लेड टू दिस कट सीन फ्रॉम द ट्रेलर्स. लेकिन फिर थोड़ा डार्ट्स, मारियो कार्ट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड फाइनली डॉन्डोको आइलैंड, व्हिच इज लाइक एनिमल क्रॉसिंग इन याकुजा. इस पॉइंट पे आई हैव लॉस्ट ट्रैक कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ. याकुजा इन्फिनिट गेम इज ऑसम एंड आई थिंक जिस रेट पे जा रहा हूँ इट विल टेक मी 5 years टू कंप्लीट. इसके बाद में सुसाइड स्क्वाड किल योरसेल्फ खेलने वाला था बट लकीली स्टीम नेक्स्ट फेस्ट आ गया. सबसे पहले ऑफकोर्स आई प्लेड पेसिफिक ड्राइव, जिसके ट्रेलर्स देख के आई हैड होप्स, लेकिन श्योर नहीं था कि ये एग्जैक्टली है क्या. तो बेसिकली यूर इन द जोन, द ओलंपिक एक्सक्लूजन जोन, जहाँ पे ऑड फिनोमेना एंड एनोमलीज चल रहा है. यू हैव टू समहाउ मैनेज एंड फिगर आउट द सिचुएशन एंड गेट आउट. तुम्हारे पास एक कार है एंड अपना दिमाग है. अब एक्सक्लूजन जोन एंड एनोमली सुन के आई इमीडिएटली थॉट ऑफ स्टॉकर. हड एंड मेन्यूज भी काफी टेकी है एंड काफी विजुअल एस्थेटिक ऑफ द एनिमीज एंड एनवायरमेंट्स हाफ लाइफ जैसा है एंड बहुत सारा मोमेंट टू मोमेंट मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस नीडेड है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टॉप द कार तो तुम सिंपली निकल के जा सकते हो टू एक्सप्लोर एन अबैंडन्ड बिल्डिंग और समथिंग, लेकिन गाड़ी ऑफ नहीं करी या हैंड ब्रेक नहीं लगाया तो द कार माइट रोल अवे. वो तो तब भी बेसिक सिस्टम है बट देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन बोथ मैकेनिकली एंड आल्सो लोअर एंड वर्ल्ड बिल्डिंग में कि आई वाज हुक्ड थ्रू आउट द डेमो एंड कैन नॉट वेट फॉर द फुल रिलीज. देन मैंने सिनर्जी ट्राई किया. इसके ट्रेलर्स एंड स्क्रीनशॉट्स रिमाइंडेड मी ऑफ स्कैवेंजर्स रेन एंड काफी जो गेम का सेटिंग, थीम एंड गेम प्ले सिस्टम्स है वो भी सिमिलर है. तुम एक हॉस्टाइल एलियन प्लैनेट पे हो जहाँ पे तुम्हें एक ह्यूमन सेटलमेंट एस्टैब्लिश करना है बट प्लैनेट का एक प्रॉपर इकोसिस्टम है जो स्टडी एंड एनालाइज करना है इन ऑर्डर टू सर्वाइव. फॉर एग्जांपल प्लांट से फ्रूट्स निकालने से पहले उनको एनालाइज करना है कि तुम क्या फ्रूट्स एंड अदर रिसोर्सेज निकाल सकते हो. उसके लिए एक फील्ड रिसर्च लैब चाहिए, वाटर भी टॉक्सिक है तो क्लीनिंग एंड फैसिलिटीज चाहिए. ऑल ऑफ इट इज लेयर्ड एंड प्लेइंग विद दीस सिस्टम्स वाज अ लॉट ऑफ फन. नेक्स्ट मैंने आउट ऑफ एक्शन ट्राई किया. इसका डेवलपमेंट मैं थोड़े टाइम से फॉलो कर रहा था. द डेवलपर कीप्स पुटिंग क्लिप्स ऑन ट्विटर एंड इट लुक डैम कूल, आर्ट स्टाइल भी एंड गेम प्ले भी. एंड इसका डेमो वाज गुड फन. शूटिंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एफपीएस जैसा फील नहीं होता है, इट्स लाइक अ मिक्स बिटवीन बॉडी कैम शूटर्स एंड अ नॉर्मल एफपीएस, तो वो वेटीनेस फन है. गेम काफी फास्ट पेस एंड चैलेंजिंग भी है. आई एम नॉट फुली श्योर अबाउट दिस गेम येट, तो लॉन्च पे देखेंगे. नेक्स्ट मैंने मलेट मैट जैक ट्राई किया, अनदर फास्ट पेस्ड बूमर शूटर. इस बार थोड़ा वाइब्रेंट प्लस एक कैच है, देयर इज ऑलवेज अ शॉर्ट टाइमर 5, 10, 15 सेकंड्स का एंड योर हेल्थ इज द टाइमर, तो तुम्हें जल्दी जल्दी एनिमीज मारने हैं टू गेट मोर टाइम एंड टू कीप गोइंग. इट्स रियली फन. ये ऐसा गेम है व्हिच आई डोंट नो इफ आई विल वांट टू प्ले फॉर मल्टीपल आवर्स. द लुक इज अ बिट ओवरवेलमिंग बट आई लाइक इट. डेमो फास्ट था एंड आई होप दे कैन कीप इट फ्रेश एंड वेयर इट फॉर द फुल रिलीज. और भी काफी डेमोस थे दैट आई ट्राइड और एटलीस्ट हैव इंस्टॉल्ड. एक है इंडिका, जिसमें यू प्ले एज अ नन जो एक एस्केप्ड प्रिजनर के साथ ट्रैवल कर रही है एंड ट्विस्ट ये है कि द नन कैन स्पीक टू द डेविल हिमसेल्फ, मतलब द लिटरल और बिब्लिकल डेविल. पहले मुझे लगा था प्रिजनर इज द डेविल क्योंकि ही सीम्स लाइक एन एसोल, बट एनीवेज गेम प्ले इसका थोड़ा क्लंकी है, थोड़ा पहले वाला प्लेग टेल का फील है. द लुक इज इंटरेस्टिंग, थोड़ा मिनिमलिस्ट विद कॉन्ट्रास्टिंग कलर पैलेट. इसके बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, बस पोस्टर सही था एंड प्रीमाइस इंटरेस्टिंग था तो ट्राई किया. इको पॉइंट नोवा एक फास्ट पेस शूटर है, वेरी फास्ट पेस. इसका डेमो मैंने पिछले वाले नेक्स्ट फेस्ट में भी खेला था एंड आई कैनॉट गेट इनफ. इस गेम का फाइनल रिलीज जैसा भी हो, आई कैनॉट इमेजिन दिस नॉट बीइंग फन टू प्ले. सेक्स प्लीज पता नहीं मैं दिखा भी सकता हूँ कि नहीं. नाम देख के आई हैड इग्नोर्ड एज बीइंग अनदर हॉर्नी गेम ऑन स्टीम, लेकिन कवर में दिस कैरेक्टर का आर्ट वाज इंटरेस्टिंग एंड द कैरेक्टर इटसेल्फ काफी फ्रीकी लुकिंग था कि आई इंस्टॉल्ड इट एंड मैंने नीचे देखा एंड देन आई इमीडिएटली अनइंस्टॉल्ड इट. अल्ट्रोज के लिए मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड था. इसका डेमो खेला एंड आई लव्ड इट एंड नाउ द फुल गेम इज आल्सो आउट. ये साइकेडेलिक मेट्रॉइडवेनिया है, एक्सट्रीमली कूल लुकिंग साईफाई. इसका आर्ट स्टाइल देख के आई वाज इन लव, यू सो गुड एंड मोमेंट टू मोमेंट कॉम्बैट एंड प्लेटफॉर्मिंग इज आल्सो टाइट. बट टर्न्स आउट कि ये गेम रोगलाइक है, जो डेव्स ने ट्रेलर्स या डिस्क्रिप्शन में क्लियरली बताया नहीं है एंड आई डोंट लाइक दैट पार्ट ऑफ द गेम. यू नो व्हाट दे से अबाउट अ कैप्टन गोइंग डाउन विद हिज शिप? दैट साउंड्स लाइक अ सैड स्टोरी. या बट माइन इज सैडर. हैरोल्ड हैलिबट का ट्रेलर देख के मैं कन्विंस नहीं था, स्पेशली वो गेम प्ले, बट द आर्ट एंड द प्रीमाइस ऑफ वेरी कूल। गेम एक फुल सिटी साइज स्पेसशिप पे सेट है एंड वो स्पेसशिप इटसेल्फ इज एट द बॉटम ऑफ एन एलियन ओशन, अर्थ पे नहीं है। थोड़ा पॉइंट एंड क्लिक एडवेंचर टाइप गेम प्ले है, नॉट फॉर एवरीवन, बट इसका स्टोरी सही रहेगा तो आई वांट टू प्ले दिस। और भी गेम्स थे, एबायोटिक फैक्टर, रेड डॉन, इंकर्जन, रेड रिवर एंड ऑल, लेकिन मेरा फेवरेट गेम फ्रॉम द नेक्स्ट फेस्ट डेमो वाज अल्बाट्रॉस। ये तो फेल्ट ऑलमोस्ट मैजिकल। एक बैकपैकिंग एडवेंचर आरपीजी है, इसमें यू हैव अ व्हीकल एंड तुम ऑन फुट भी चल सकते हो, तो तुम्हें कार भी मेंटेन करना है एंड अपने कैरेक्टर को भी। तुम निकले हो इन सर्च ऑफ योर सिबलिंग एंड द लैंडस्केप इज मैसिव एंड काफी मैकेनिकली इन्वॉल्व भी है गेम। टाइम मैनेजमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, विच आर ऑल टाइड टू योर बॉडी स्टैट्स, हंगर, हेल्थ एंड ऑल। आर्म्स एंड लेग्स डिफरेंट रेट पे टायर आउट होंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, एंड जितना टाइम तुम गाड़ी में ट्रैवल करते हो उतना ही ऑन फुट एक्सप्लोरेशन भी था। देयर वर टाइम्स की कुछ दिखा, मैंने गाड़ी रोक के उस डायरेक्शन में निकला, कुछ साइड ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लूज मिले, वो फॉलो करना भी ऑर्गेनिक है, नो मैप मार्कर्स, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बीइंग लॉस्ट और बीइंग आउट देयर भी है। गाड़ी के भी सिस्टम्स है, बेसिक फ्यूल एंड रिपेयर के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स कैन हेल्प यू क्रॉस डिफरेंट टेरेन, तो उसका अपग्रेड सिस्टम है। बट इसके कॉन्ट्रास्ट में द लुक एंड द वाइब ऑफ द गेम इज वेरी चिल। ऐसा लग रहा था आई एम प्लेइंग समथिंग लाइक पैसिफिक ड्राइव, बट बिल्कुल ऑपोजिट इमोशन इवोक हो रहा है। स्टोरी टेलिंग में भी काफी एफर्ट डाला है विद यूनिक सेक्शंस इन फर्स्ट पर्सन। विजुअल्स में थोड़ा स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन है, आई होप ये लॉन्च तक और रिफाइन हो जाए। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ सिंपल वॉकिंग से, लेकिन ये तो काफी मैकेनिकली एंगेजिंग भी था एंड काफी ऑर्गेनिक एक्सप्लोरेशन भी है विद गुड वैरायटी ऑलरेडी इन द डेमो। कुछ सेक्शंस में जो ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड या रेड डेड या डेथ स्ट्रैंडिंग का ओपन कैंपिंग एक्सप्लोरेशन वाला फील एंड इवन एलिमेंट्स दिख रहे थे, जैसे चेंजिंग वेदर की वजह से यू हैव टू चेंज क्लोथ्स या ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू फील वार्मर। रात को शेल्टर नहीं मिला तो यू कुड बी कॉट इन अ स्टॉर्म या एग्जॉस्ट होके फेंट हो सकते हो, लूजिंग अ बंच ऑफ प्रोग्रेस। आगे तो इसमें अदर कैरेक्टर्स विल जॉइन योर पार्टी विद डिफरेंट एबिलिटीज, उनके अपने स्टोरीज। गेम बहुत एम्बिशियस लग रहा है, रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग लाइक आउटवर्ड आल्सो, थोड़ा अंडररेटेड गेम था, लॉट्स ऑफ मैकेनिक्स एंड ऑर्गेनिक एक्सप्लोरेशन। आई रियली होप अल्बाट्रॉस का फाइनल रिलीज कैन ब्लो मी अवे। जब ये सारे डेमोस खेल के खत्म किए, आई वाज वरीड कि शायद अब सेल्फ हार्म स्क्वाड के लिए और टाइम एंड मनी चेकआउट करना पड़ेगा, लेकिन लकीली एंड वेरी अनएक्सपेक्टेडली हेलडाइवर्स 2। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट एंड इमेजिन नहीं किया था कि आई वुड प्ले हेलडाइवर्स 2 एंड हैव दिस मच फन। जितने भी मैंने इसके ट्रेलर्स देखे थे वो फन तो थे, बट इट लुक लाइक एनी थर्ड पर्सन शूटर, बट इसका जो गेम प्ले फील है, इट फील्स रिफाइंड टू सूट द काइंड ऑफ गेम दैट हेलडाइवर्स 2 इज। एक तो इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अराउंड कैपिटलिज्म एंड वॉर प्रोपेगेंडा, इट्स गुड फन एंड एक्चुअली एड्स टू द गेम प्ले। जैसे जो डाइव मैकेनिक है वो देखने में एंड करने में सिली लगता है, बट इट्स वेरी यूजफुल। इसमें जो स्पेशल एबिलिटीज है लाइक कॉलिंग इन एन ऑर्बिटल स्ट्राइक और अ मशीन गन टर्रेट, उसके लिए ये चीट कोड एंटर करना पड़ता है विद द एरोस, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फील सिली बट ऑल्सो पैनिक इंड्यूसिंग। जो एनिमीज है स्टार्टिंग में दे आर जस्ट बग्स, लेकिन दे मूव रैंडमली एंड वेपन्स का शूटिंग वेटी है। तुम्हारा क्रॉस हेयर का इंडिकेटर एंड गोलियां एक्चुअली जहां जा रही है दोनों का इंडिकेटर अलग है, शोइंग कि यू हैव टू बी मोर डेलिबरेट एंड कंट्रोल द वेपन। लेकिन बीच बीच में इट्स फन टू से फक इट एंड जस्ट गो लाइक दिस। थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन दोनों ऑप्शंस है टू शूट। बेसिकली यूर अ सोल्जर, तुम जाते हो विद योर स्क्वाड, लैंड ऑन बैरन लुकिंग प्लैनेट्स एंड किल एनिमीज। कुछ साइड ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं विच यू कैन डिस्कवर एंड कंप्लीट, बट एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है विच यू कैन डू एंड देन एक्सट्रैक्ट। हेलडाइवर्स 2 का बेस्ट पार्ट इज कि वो कैसे मोमेंट टू मोमेंट एनकाउंटर्स ऐसे प्रोवाइड करता है विच एनकरेजेस यू टू यूज एवरीथिंग यू हैव, गन्स, एबिलिटीज, टीममेट्स, एनवायरमेंट्स, सब कुछ। छोटे मोटे एनिमीज को यू कैन जस्ट शूट, बिगर एनिमीज पे ऑर्बिटल स्ट्राइक, लार्जर क्राउड्स पे टरेट्स, रैंडम पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट होंगे जहां कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। बीच बीच में थोड़ी शांति भी होती है वेयर यू कैन टेक इन द व्यू, इंट्रोस्पेक्ट अबाउट स्टारफील्ड। आई एंजॉयड स्टारफील्ड, बट आई विश स्टारफील्ड का थोड़ा बैरन प्लैनेट एक्सपीरियंस कुछ हेलडाइवर्स 2 जैसा होता। ग्रेट लाइटिंग, स्मोक, फॉग एंड पार्टिकल इफेक्ट्स, ब्यूटीफुल यूज ऑफ कलर्स, विजुअली बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन यूज किया है टू मेक दिस एम्प्टी प्लैनेट्स नॉट लुक बोरिंग। बीच में कुछ सर्वर इश्यूज थे एंड आई केप्ट स्पैमिंग द रिट्राई बटन अंटिल आई गॉट बैक इन। आई वाज हैविंग सो मच फन। एक बारी तो वी हैड अ 30-40 मिनट लॉन्ग सेशन, इंटेंस एंड इंसेन अमाउंट्स ऑफ शूटिंग, डाइंग, रिवाइविंग, एंड एंड में सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया एंड आई वाजंट इवन मैड। रिवॉर्ड्स, एक्सपी या स्किन अनलॉक करने के लिए थोड़ी खेल रहा था। व्हेन आई गेट बोर्ड ऑफ हैविंग फन और आई नीड अ ब्रेक बिफोर द नेक्स्ट राउंड, तो आई गो एंड चेक की क्या अनलॉक्स हैं। आई जस्ट वांट टू कीप प्लेइंग। मैं बहुत मल्टीप्लेयर गेम्स नहीं खेलता, तो मे बी ऐसे और भी गेम्स होंगे एंड आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट आई चेक दिस आउट एंड देयर इज सो मच मोर टू हेलडाइवर्स 2। मैं तो अभी भी अर्ली इन द गेम हूँ। कुछ कलेक्टिव कम्युनिटी एक्शंस के अराउंड स्टोरी भी है कि एज वी मेक प्रोग्रेस, न्यू एरियाज एंड मे बी एनिमी टाइप्स अनलॉक होंगे। अब मुझे फॉरएवर गेम नहीं चाहिए या जबरदस्ती का लाइफ सर्विस भी नहीं चाहिए, सो आई होप कि एरोहेड जो भी प्लान कर रहा है विद हेलडाइवर्स 2 इट मेक सेंस फॉर द गेम एंड दैट्स इट। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट सम गेम्स जो मैं खेल रहा था, लाइक अ क्वार्टरली बिजनेस रिपोर्ट फॉर games और भी games है that I played and enjoyed, Grand Blue Fantasy, Relink and all, but अभी उस सब के लिए टाइम नहीं है। Twitter पे follow कर लो, वहाँ पे I post about most games, books, shows और movies that I'm enjoying। Death of 2023 का video is in progress, तो उसका size थोड़ा beyond my control जा रहा है, but hopefully it's ready soon। Anyways, as always, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार ही हो तो चेक आउट सम ऑफ द अदर वीडियोस, अगर वो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल सी यू व्हेनेवर आई सी यू नेक्स्ट। बाय ड्यूड्स।